नमस्कार, एलएनबी टीवी में आपका स्वागत है और आइए डालते हैं मुख्य समाचारों पर एक नजर। गुम्मे भाई को मिला अपना घर, सरकार को दिया धन्यवाद, कलेक्टर ने कहा माँ जाए लो संभालो अपना घर। विप्र समाज की होली मिलन यात्रा का आयोजन, सागर संभाग में करेगी भ्रमण, बैठक में निर्णय। रंगों पिचकारियों मुखौटों से सजा बाजार, 1 मार्च को होलिका दहन। घर में लगी आग, पड़ोसी पुलिस की मदद से काबू, देर से पहुंचा नगर पालिका का फायर ब्रिगेड। और समाचार विस्तार से, विप्र समाज की होली मिलन यात्रा पूरे सागर संभाग में भ्रमण करने जा रही है। इस दौरान वह एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं देंगे, एक दूसरे की कुशल क्षेम पूछेंगे। आयोजन को लेकर एक बृहद बैठक का आयोजन स्थानीय मानस भवन जटाशंकर मंदिर क्षेत्र दमोह में किया गया। भगवान परशुराम के पूजन अर्चन एवं वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ विद्वान पुरोहितों ने बैठक का शुभारंभ किया। भगवान परशुराम के जय जयकारे के बीच आयोजित की गई उक्त बैठक के दौरान अनेक निर्णय लिए गए। 4 मार्च को 11 बजे यह यात्रा दमोह से रवाना होगी, जिसको विप्र होली मिलन नाम दिया गया है। इस अवसर पर जिले भर से काफी बड़ी संख्या में विप्रों की उपस्थिति रही। बैठक के दौरान अनेक वक्ताओं ने अपने विचार रखे तथा निर्णय लिए गए। विदित हो कि विप्र समाज चिकित्सा और शिक्षा को आरक्षण से मुक्त कराने की मांग लगातार पिछले लंबे अरसे से करने में लगा हुआ है। विप्र समाज के सदस्यों ने आयोजन के प्रयोजन के संबंध में बतलाते हुए कहा, ये अपनी होली विप्र मिलन समारोह के उपलक्ष्य में रखी गई थी, जिसे अब 4 तारीख को हम लोग इसे सागर में जो विप्र मिलन समारोह है उसमें सभी विप्र बंधुओं से निवेदन है कि वो अधिक से अधिक संख्या में सागर चलकर इस कार्यक्रम को सफल बनाए। समाज की बैठक दमोह जिले में संपन्न हुई, जो 4 तारीख से निकलने वाली ब्राह्मण सवर्ण यात्रा के संबंध में हुई, जिसमें 4 तारीख को एक सांकेतिक यात्रा निकाली जाएगी। सागर बंडा बक्सवाहा बटियागढ़ होते हुए दमोह में विश्राम करेगी और उसके बाद अगली तिथि 4 तारीख को प्रेषित की जाएगी। यह यात्रा का उद्देश्य चिकित्सा में आरक्षण पूर्णतः बंद हो, सवर्ण समाज का मध्य प्रदेश सरकार आयोग बनाए, इस मांग को लेकर इस यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। बैठक के दौरान विप्र समाज की होली मिलन यात्रा का रोड मैप तैयार किया गया। डॉक्टर एलन वैष्णव की रिपोर्ट। यह थे अब तक के मुख्य समाचार, कल फिर मिलेंगे नए समाचारों के साथ। नमस्कार।